हेलो एवरीवन, मैं अजंत गोदारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक स्लोली स्लोली ग्रोइंग प्लेटफॉर्म टाइनी जींस पे। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था फाइबरस टिश्यू किसका, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप था जिसमें कितने फाइबर थे, कोलेजन, इलास्टिक और थर्ड था रेटिकुला। मैंने इन तीन जो फाइबर है इनका इंट्रोडक्शन बता दिया था। अब इंट्रोडक्शन बता दिया तो ये हमारी बॉडी में ऐसे वैसे तो प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब इनका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। फंक्शन होगा तो हमारी बॉडी किसी न किसी पार्ट में प्रेजेंट होगी, यानी हमारी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा बनाते होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल। अब हम इसके फंक्शन और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला फाइबर था कोलेजन फाइबर, यानी कि श्वेत तंतु या फिर व्हाइट फाइबर, जो किसे बना होता था, कोलेजन प्रोटीन से। अब ये क्या था, ग्रुप में प्रेजेंट होता था। इसके जो फाइबर हैं वो क्या थे, सिंगल थे, नॉन ब्रांच्ड थे और ग्रुप में प्रेजेंट होते थे। अब आपने सुना होगा ग्रुप है तो मतलब क्या होता है, एकता में शक्ति, यानी कि अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट आते हैं तो इनमें भी क्या होगी, एक तरीके शक्ति को कंट्रोल करेगा ये, यानी कि ये क्या फोर्स से रिलेटेड होंगे। तो फोर्स से रिलेटेड होंगे तो इसी तरीके से इसका पहला जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिट फोर्स। ट्रांसमिट फोर्स यानी जो फोर्स है या जो बल है उसका स्थानांतरण करेगा, यानी कि फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह में लगाएगा। अब जो बोन होती है हमारी, ये हमारी बोन हो गई, कोई दो बोन है, इनके बीच में ये क्या होता है, एक गैप देखने को मिलता है, क्योंकि दो बोन है तो उनमें ऑब्वियसली जॉइंट मिलेगा। तो ये जॉइंट हो गया तो ये जॉइंट किससे होंगे, फाइबर से ही अटैच होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है वो कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, यानी कि ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये लिगामेंट है, हम इनके बीच में फोर्स होगा, इन्हीं के बीच में फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर इन दोनों बोन या अस्थियों का मूवमेंट होगा, हम चलेंगे मूवमेंट करेंगे, तो हमारे जो पैर का जो जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है हमारा, तो उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट होगा इनमें फोर्स लगेगा, तो एक ऊपर से नीचे फोर्स जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स का स्थानांतरण या फिर ट्रांसमिट करेंगे। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन होता है वो होता है डिसिपेट एनर्जी, डिसिपेट एनर्जी। अब आपने एक लकड़ी ली और एक लकड़ियों का क्या पूरा बंडल लिया, आप क्या इजीली एक लकड़ी को तोड़ पाएंगे बजाय पूरे बंडल के। तो इसी प्रकार ये क्या होते हैं, ग्रुप में मिलते हैं। तो अगर हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम इन कोलेजन फाइबर को या फिर जो लिगामेंट है इसका एग्जांपल, इनको तोड़ने की कोशिश करें, कोई फोर्स लगाएंगे, हमारे जो हाथ का अगर हम कोनी देखें उसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो क्या होता है, टूटते नहीं है, लेकिन फोर्स तो लगेगा। फोर्स लगेगा तो वो फोर्स से बचाने के लिए क्या है, हमारे बॉडी जो लिगामेंट है उनकी एनर्जी खर्च होगी, या फिर इनमें ये एनर्जी के कारण ही है वो उस फोर्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनमें क्या होगा, एनर्जी उत्पन्न होगी या एनर्जी बनेगी। तो ये क्या काम करते हैं, जो कोलेजन फाइबर होते हैं डिसिपेट, यानी कि जो एनर्जी बनी होती है उसको नष्ट करने का काम करते हैं, यानी एनर्जी का नष्ट करते हैं। अब जो जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है स्टोर एनर्जी, क्या है, स्टोर करना, स्टोर एनर्जी। ये क्या होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब हम रेस्ट करके सुबह हम वॉक पे जाते हैं, अगर रात को सोते हैं तो सुबह हम क्या करेंगे, वॉक पे जाएंगे, तो हमारे क्या होगी, शरीर में ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, मतलब क्या होता है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जो भी ये मूवमेंट के कारण, बोन तो मूवमेंट नहीं कर सकती क्योंकि बोन तो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो ये क्या होगा, लिगामेंट के कारण ही क्या होंगे, मूवमेंट होंगे, तो इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उन्हीं की वजह से हम क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, यानी कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी का स्टोरेशन भी करते हैं। अब हमारा दूसरा जो
फाइबर है वो है इलास्टिक फाइबर। अब हम उसके फंक्शन देखते हैं इलास्टिक फाइबर और उसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं। इलास्टिक फाइबर यानी कि येलो, यानी कि ये क्या होते हैं, पीले रंग के होते हैं इसलिए येलो फाइबर। इलास्टिक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रांच में मिलते हैं और सिंगल फॉर्म रहते हैं, यानी कि ये जो फाइबर होगा इसकी ब्रांचेज होगी और सिंगल फॉर्म में रहेंगे। ये होगा इंट्रोडक्शन का रिवीजन। अब इसका फंक्शन देखें, फंक्शन इलास्टिक से ही आप समझ सकते हैं। इसमें क्या मिलेगी, इलास्टिसिटी मिलेगी, यानी कि हम इसको खींच सकते हैं और ये वापस ऑटोमेटिक नॉर्मल पोजिशन में भी आ सकता है, यानी कि हम इसको खींच सकते हैं। खींचना मैन फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, खींचना। अब हम खींचना को देखें तो ये वापस अपने पोजीशन में आएंगे। अब कोई ये सॉलिड होगा तो ये क्या होगा, अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा और ना ही हम इसको खींच सकते हैं। जैसे कि बोन होगी तो हम बोन को नहीं खींच सकते। तो इनमें क्या मिलती है, रिजिलेंस यानी कि लचीलापन, लचीलापन। अब लचीलापन मिलेगा तभी हम इनमें क्या, इजिली हम खींच पाएंगे, इनसे इजिली मूवमेंट कर पाएंगे। और खींचना हो गया यानी कि इनमें प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी मिलेगी, यानी कि इलास्टिसिटी मिलेगी तभी हम इनको इजिली खींच पाएंगे। तो ये इसके मेन फंक्शन हो गया इलास्टिक। इलास्टिक से ही आप समझ सकते हैं कि इनमें इलास्टिसिटी मिलेगी और ये क्या होंगे, लचीले होंगे, यानी कि रिजिलेंस लचीलापन इनमें मिलेगा। अब रेटिकुलर ये क्या होते हैं, मेस यानी कि डेंस मेस यानी कि सघन जाल बनाते हैं। रेटिकुलर की बात करें इनका फंक्शन होता है ये क्या होता है, डेंस मेस बनाते हैं यानी कि जाल नुमा क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, जाल नुमा संरचना बनाएंगे। तो जाल नुमा संरचना, जाल क्या काम करेगा एक तरीके से, ये हमारी स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। जो हमारे टिश्यू हैं उनको हम नीचे से क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा या एक जालनुमा संरचना बनाएगा जिससे नीचे का जो टिश्यू है उनको सपोर्ट मिलती रहेगी। कोई भी अगर बाहर से फोर्स आया तो वो अंदर फोर्स को ज़्यादा ट्रांसमिट होने से भी बचाएगा। तो ये हो गया रेटिकुलर का फंक्शन। अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। कोलेजन फाइबर के एग्जाम्पल देखें तो कोलेजन फाइबर का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था फंक्शन समझाने के लिए, वो था लिगामेंट। क्या था, लिगामेंट जो क्या था, बोन टू बोन कनेक्ट रहता था, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता था। ये कनेक्ट करता था दो तीन चीजों को, सॉलिड जो दो मूवमेंट नहीं करने वाली होती थी उनको क्या करता था, कनेक्ट करता था और खुद मूवमेंट करवाने के लिए क्या था, सरफेस प्रोवाइड कराता था ताकि बोन के बीच में भी मूवमेंट हो सके। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखें, टेंडन। टेंडन टेंडन भी क्या है, बोन के साथ मिलता है लेकिन बोन टू बोन टू कनेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये हो जाएगा लिगामेंट। तो ये बोन टू मसल यानी कि बोन को मसल से या फिर मसल को बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो जॉइंट मिलेगा या जो भी फाइबर मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, कोलेजन फाइबर हो जाएगा। तो बोन टू मसल टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट, और ये बोन टू मसल टेंडन है वो कोई हमारे ज़्यादा मूवमेंट के मतलब मूवमेंट नहीं करवाता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखें तो डीप लेयर ऑफ स्किन। हमारी जो स्किन होती है उसकी जो डीपेस्ट लेयर होती है यानी नीचे नीचे का हिस्सा स्किन के, उसमें भी क्या होता है, कोलेजन फाइबर मिलते हैं जो हमारी स्किन को क्या करते हैं, नॉर्मली सपोर्ट का काम करवाते हैं ताकि कोई भी फोर्स है वो इजीली क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके। अब इलास्टिक, इलास्टिक का देखें एग्जांपल तो इलास्टिक यानी कि ये क्या होगा, रबड़ की तरह हम इनको खींच सकते हैं और वापस नॉर्मल पोजिशन में आ सकते हैं। अब इसी इलास्टिक के अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो भी क्या होते हैं, फूलते हैं और वापस सिकुड़ जाते हैं, यानी इंस्पायरेशन करेंगे तो वो फूल जाएंगे, एक्सपायरेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे या फिर पिचक जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसके एग्जांपल देखें तो लंग्स में क्या होगा, इलास्टिक फाइबर मिलेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया इसका लंग। अब दूसरा एग्जांपल बताऊं तो आर्टरी वेंस
या कोई भी ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल है तो उनमें भी क्या है, फोर्स लगता है, हमारा बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, वो क्या होता है फोर्स के कारण होता है। और अगर इनमें प्रेशर कम होता है, अगर इनमें ब्लड क्या होगा अगर ज्यादा बहेगा ब्लड का, तो ये क्या होगा इनकी जो वॉल है आर्टरीज की उन पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा। अगर इनमें इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा इस वॉल को क्या करेगा तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इनमें भी क्या होता है इलास्टिसिटी मिलती है, ताकि क्या हो सके वेन है या फिर जो भी आर्टरी है अगर इनके अंदर फोर्स लगे तो ये क्या हो सके थोड़ा बहुत चौड़ा या फिर इनकी जो डायमीटर है वो बढ़ सके। ये हो गया इनके लंग्स, आर्टरीज और वेन्स। अब रेटिकुलर का एग्जांपल देखें, मैस बनाता है, जालनुमा संरचना बनाता है, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन होगा, सॉफ्ट ऑर्गन होगा, उसको क्या करेगा एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनको क्या करता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें मिलता है किसमें, लीवर किडनी ऐसे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनमें रेटिकुलर फाइबर मिलता है, जिसे जो ये किसी भी फोर्स से या फिर एक्सटर्नल जो भी कोई फोर्स आएगा या एनर्जी आएगी उससे हमारा प्रोवाइड करवाता है कि इससे क्या है हमें हानि ना हो। तो ये हो गए हमारे कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, उनके एग्जांपल और फंक्शन। यहाँ पे हमारे फाइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स, जो कहता है एक फ्लूड होता है उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है उसमें, वो हम देखें। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि आधात्री, यानी कि आधा तरल, आधा तरल यानी कि सेमी सॉलिड फ्लूड। ये क्या होता है एक तरीके से सेमी सॉलिड फ्लूड होता है, जो कहां पे मिलता है, टिश्यू है तो टिश्यू सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा सेल के बाहर। टिश्यू है तो वो सेल से मिलकर बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो वो कनेक्ट करेगा किसको, दो ऑर्गन्स को या फिर दो कोई भी अदर टिश्यू को, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा हमारी सेल्स होगी। अब सेल्स मैंने आपको बता दिया कितने टाइप की होती हैं, इनके बीच में सेल्स के बीच में क्या मिलेगा फाइबर, जो इनको कनेक्ट भी कर सकता है या इनके बीच में नॉर्मली भी प्रेजेंट रह सकता है। तो ये फाइबर होंगे तो यहीं पर क्या होगा एक फ्लूइड नुमा एक क्या मिलेगा सब्सटेंस मिलेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम आधात्री या मैट्रिक्स। ये किससे बना होता है मैट्रिक्स, एक फ्लूड नुमा फ्लूड होता है, फ्लूड होता है तो किसी ना किसी से मिलकर बना होगा, ये होता है पॉली म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड से ये जो फ्लूड होता है उसका मिला होता है। यानी कि जैसे सेल होता है तो वो वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, अलग अलग तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बनी होते हैं। तो ये इसमें मेनली मैट्रिक्स में कौन सा मिलता है सब्सटेंस, म्यूको पॉलीसैकेराइड और वाटर नॉर्मली भी मिलेगा। ये क्या काम करता है वो उसके नॉर्मली हम देखें तो मैट्रिक्स के थ्रू ये इधर वाली सेल इससे कनेक्ट रहेगी, ये इधर वाली सेल इससे कनेक्ट रहेगी, इधर वाली सेल इससे कनेक्ट रहेगी। अब आप कनेक्ट रहने से क्या समझेंगे, ये वो फोन पे कनेक्ट नहीं रहने वाला कि हाँ चुगली कर ले एक सेल दूसरी सेल से, वो नहीं, ये कनेक्ट रहेगी यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोषक तत्व है जो एक सेल को जिंदा या फिर लाइव रखने का काम करते हैं वो इसमें कमी होगी तो ये इधर से इधर भेज देगी, ये इधर से इधर भेजेगी, जिसमें कमी या ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे से ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे पड़ोसी हो जाएंगे और उन दोनों के पड़ोसियों के बीच की दीवार क्या हो जाएगी मैट्रिक्स हो जाएगी, जो क्या होगी इनके लिए हेल्पफुल होगी, मैन मैन किसी जो न्यूट्रिएंट्स हो गए जो भी पोषक तत्व हो गए उनके लिए, ना कि किसी गलत वजह के लिए। जैसे कोई अगर इनको बाहर से इन्फेक्शन मटेरियल होता है वो इन पे अटैक करता है तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, ये आगे ट्रांसफर ना होने दे, इसमें भी हेल्प करती है थोड़ा बहुत। हाँ लेकिन बहुत कम चांस होता है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं अगले सेल में भी मतलब पहुंचाने का या रोकने का काम करते हैं, वो अलग सब्सटेंस मिलते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही या फिर मैट्रिक्स के अंदर बाहर से कुछ एक सब्सटेंस आ जाते हैं, जैसे कि हमने मास्ट सेल या उनके बारे में पढ़ा था जो कि क्या बनाते थे हमारे इम्यून सिस्टम बनाते थे, वो आ जाते हैं सब्सटेंस ताकि आगे की जो भी सेल है वो वहाँ पे नुकसान ना हो। तो ये हो गया हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट, यहाँ पे हो जाता है हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू था प्रॉपर
उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब ये कनेक्टिव टिश्यू तीन तरीके से मिलकर बना हो गया, जो इंट्रोडक्शन था उसमें सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, सेल फाइबर और मैट्रिक्स। अब हम इसके टाइप देखेंगे कि ये कितने कितने टाइप का होता है, वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये जो कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन था या सेल फाइबर और मैट्रिक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, और उसमें जो भी नोट्स होंगे वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वहाँ पे हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर जाएंगे, या फिर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।